यस, थोड़ा सा ये शॉकिंग न्यूज़ भी बोल सकते हो आप, क्योंकि मैंने अभी एक आर्टिकल देखा, वो ऑफिशियल आर्टिकल था, ऐसा नहीं कि भाई कोई भी कहीं से भी मैंने उठाया था गूगल पे, और मैंने उसमें अजय देवगन सर की आने वाली सारी मूवीज़ के बारे में देखा कि मतलब कौन सी मूवी आ रही है। पर अब यहाँ पे हुआ ये है कि इस फिल्म्स को लेके जो अपडेट्स मुझे सामने आ रही है, देखो अब ये कितना सही है कितना नहीं है ये मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल बातें, चाणक्य के बारे में तो आपने देखा ही होगा ना कि चाणक्य नहीं आने वाली है। दूसरी बात, ये जो एक मूवी थी अजय देवगन सर जिस मूवी में इंटरेस्टेड थे, मैंने सुना है कि वो संजय लीला भंसाली के साथ एक मूवी आने वाली थी देखो उनकी, वो कैंसिल हुई है, मतलब उसका कोई अपडेट नहीं है। एक मूवी है जो एट प्रेजेंट देखो सिर्फ इतने ही वर्क इन प्रोग्रेस है, एक है वही वो औरों में कहा दम था, एक थी वो आज़ाद करके, आज़ाद में उनका बहुत एक 5-10 मिनट का कैमियो है, उस पर जाइए जाइए मत, वो तो मैं अजय देवगन सर की मूवी बोलता भी नहीं हूँ। एक है अपना सिंघम अगेन तो है, दृश्यम 3 है, और एक फिल्म है रेड 2। यस दोस्तों, आई थिंक यहाँ पे जो आप लोग बोल रहे हो ना कि धमाल 4 वगैरह, धमाल 4 का कोई अपडेट नहीं है, भोला 2 के भी कोई बनने के चांसेस एट प्रेजेंट देखने को नहीं मिल रहे, जो एक सैड न्यूज़ है। हाँ, टॉपिक इसी को लेके है कि इतनी बेहतरीन मूवी थी भोला, मतलब एटलीस्ट इन्होंने भोला का जो कैरेक्टर था वो रिवील नहीं किया कुछ भी उसको लेके, तो इनका काम था भोला 2 बनाना। लेकिन हाँ, मैंने इसमें मैदान मूवी का नाम इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो तो भाई मेकर्स पे डिपेंड है, उसका कोई अब बात करने का सवाल ही नहीं आता है जब तक वो बोनी कपूर खुद खुद कुछ नहीं बोलता है। अगर उसको रिलीज़ ही नहीं करनी है तो अजय देवगन जी या फिर बाकी लोग क्या फोर्स करेंगे, मेकर्स पे ही सब कुछ रहता है, इनको इनका पैसा मिल गया काम हो गया। पर वो सैड बात है कि एक अच्छी मूवी के साथ इंसल्ट इंसल्ट टाइप का ही कर रही है। एनीवेज, चलो वो सब बात की बातें हैं। एक फिल्म है यार जो मैं भूल रहा हूँ, मैं अभी भी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कौन सी तो मूवी। हाँ, वो जो एक वशीकरण वाली जो फिल्म है ब्लैक मैजिक, वश फिल्म का जो रीमेक है, उसको लेके भी कोई एक अपडेट नहीं है कि भाई उसका शूटिंग तो शुरू होने वाला था और उसका जो शूटिंग है उसकी अपडेट ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रही है। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि वो कोई बहुत बड़ी मूवी नहीं है, शायद अजय देवगन जी का उसमें जो कैरेक्टर है वो उतना कुछ बड़ा नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि सिंघम अगेन के साथ मैंने और एक लिस्ट में नाम देखा है, वो है गोलमाल 5। सो इट्स अ गुड न्यूज़ कि गोलमाल 5 बन रही है, देयर इज़ हाई चांसेस कि गोलमाल 5 को रोहित शेट्टी डायरेक्ट सिंघम अगेन के बाद बना रहा है। उसको थोड़ा शायद समझ में आया कि सूर्यवंशी सिम्बा में कुछ नहीं रखा है, वो वापस अपने कॉमेडी वाले यूनिवर्स में, एंड बाय द वे तुषार कपूर एंड बाकी लोगों को भी जॉब मिल गई, मतलब कुणाल खेमू वगैरह, तो इनका भी काम हो गया। और सुना तो है भाई, अब ये जो तो इन शॉर्ट अपकमिंग जो लिस्ट है वो ये है कि एट प्रेजेंट औरों में कहा दम था, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, उसका कभी भी अनाउंसमेंट आ सकता है। मैदान का भूल जाओ भाई, मैदान को तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा आपकी कब आने वाली है, 23 को भी ये रिलीज़ करने वाले या क्या लाएंगे, वो तो 23 को हमें पता चल जाएगा, कुछ तो अपडेट आएगा। बाकी वो वशीकरण वाली जो है ब्लैक मैजिक करके जो फिल्म है उसका है कि भाई उसमें अजय देवगन जी का रोल बहुत सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा उसमें करने के लिए है नहीं। तो भाई तो बड़ी मूवी है भाई सिर्फ सिंघम अगेन, औरों में कहा दम था को भले वो नीरज पांडे की मूवी है लेकिन वो मुझे इतनी बड़ी नहीं लगती है, हाई लेवल वाली बस सिंघम अगेन है उनके पास। एक है दृश्यम 3 और एक देयर इज पॉसिबिलिटी थी भोला 2 की, वो भी निकल गई, मतलब भोला 2 भी शायद नहीं आएगी। गोलमाल अगेन आने के चांसेस ज़्यादा है भोला 2 से। रेड 2, इसको मैं कैसे भूल गया, तो रेड 2 कन्फर्म आ रही है। यस दोस्तों, ये मैंने सुना है, ये भोला 2 को बाजू रखो, गोलमाल 5 को बाजू रखो, मैंने जो सुना है सिंघम अगेन के बाद अगर कोई बड़ी मूवी है तो दृश्यम 3 और रेड 2, रेड 2 के साथ वो आ रहे हैं अजय देवगन सर, तो इस बारे में भाई ये कन्फर्म न्यूज़ है। तो भाई देखो ये सब ऐसा क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ है। अब इसमें जो लोगों को ये डाउट था सन ऑफ सरदार या फिर वो दीवानगी 2, कुछ नहीं ना फूल और कांटे 2 वगैरह, ये ऐसे अफवाह है, इनसे दूर रहो। जो ये इसमें इवन भोला 2 की भी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, अब पहले थी, मैंने देखा था उस साइट पे आर्टिकल था, अभिषेक बच्चन के कैरेक्टर का जिक्र किया था, बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ थी, लेकिन भोला 2 और ये साइट पे जो मैंने सुना है, अंदाज़ा है ये मेरा,
कि ये साइट पे लोग कनेक्टेड, अब साइट का नाम तो यहाँ पे नहीं है लेना अलाउड, लोग जो ये एक्टर लोग हैं ना वो कनेक्टेड रहते हैं उस साइट से। सैकनिल की बात नहीं कर रहा, डोंट वरी, वो सब ले सकते हैं उसका नाम। ओके, तो उनका पर्सनल इनको पता रहता है। भोला टू का लिस्ट से नाम हट गया मतलब, अब आप ही समझिए क्या है। पर बुरा लगेगा अगर भोला टू नहीं बनेगी तो यार, ये क्या क्या हो गया यार अजय देवगन सर को, ये सब मैदान का असर है भाई। इन्होंने मेंटली प्रेशर दे के रखा है बोनी कपूर एंड कंपनी ने, यही बोल सकते हैं और क्या बोले। देखते, होप फॉर द बेस्ट, टेक केयर।